बात की। वाह भाभी, आप भी मम्मी से कम नहीं हो। इतने टाइम से साथ रह रही, थोड़ा तो असर होगा ना। अच्छा राशि, ये बताओ स्कूल में कोई 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है जिसके साथ माँ की अच्छी केमिस्ट्री हो, जो कंपैशनेट भी हो और समझदार? हे दुखी, नहीं छोड़ने और नानावटी सर से मिला है। सर आपको पता है, नानावटी सर ने विक्की भाभी से कहा कि अगर मम्मी का हार्ट ठीक नहीं होता बन सकता है। वैसे तो 9th का सुदीप है और वो रिद्धि भी है। अरे वो भी तो गए ही है, रिसेस हो गया, चल कुछ खाते हैं। हाय सर। हेलो हेलो पुष्पा आंटी, आज मैंने उत्तप्पा बनाए, खाएंगी? लेकिन कुछ पूछ, आ जाओ सब, बहुत अच्छा बनाता है। अरे वाह वाह, मैं साउथ का उत्तपा लाई हूँ, मैं तो साउथ का उत्तपा लाया और मैं इडली की जो भाई मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा ये ले। अरे खिला रहे हैं एक दूसरे को, खिलाया। 1 2 3 मिल गया राइटर, मिल गया मुझे, मिल गया राइटर। अरे मुझे बड़ा पसंद है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं तो खा पहला दिन। अरे खिलाए आपने आज से। 1 2 3 मिल गया राइटर। आप मिल गया तो वहां देख के बोलिए। राइटर राइटर यहाँ तक बोला। राशि बहुत लाउड हो गया बेटा, आलम को अपना राइटर बनाया। हाँ रूल है ना सर, अपने से एक क्लास नीचे वाले की रिक्वेस्ट, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन से ना बोझ हट गया। ये लो नाम लिया और शर्मा हाजिर, मजाक कर रहे हो? हाँ हाँ इट्स ओके। वैसे आलम मम्मी एग्जाम में जो भी बोले वो अच्छे से लिखना और अच्छे से सुनना, नो स्पेलिंग मिस्टेक और हैंडराइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन। ओके एकदम गणपति बप्पा। मम्मी एग्जाम में जो भी बोले वो अच्छे से सुनना और अच्छे से लिखना, नो स्पेलिंग मिस्टेक और हैंडराइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन। ओके ओके गणपति बप्पा की तरह। गणपति बप्पा? हाँ गणपति बप्पा भी तो राइटर थे ना वेद व्यास जी के। क्या बात है सर, एकदम सही पकड़ा है। दादी कहानियां सुनाती थी बचपन में, वेद व्यास मुनि बोलते थे और गणपति बप्पा लिखते जाते थे, ऐसे ही पूरी महाभारत लिखी गई है। मम्मी तू व्यास मुनि बन गई। मैं तो पाटन की 9वीं पास कर रही हूं, जो बस 10वीं पास करना चाहती। आर्यन देख अगर आंटी फेल हुई ना तो राशि तो तुझे नहीं छोड़ेगी। 2-4 चैप्टर तू भी याद कर लेना ताकि आंसर्स तो आए तुझे। Okay.